शामली पुलिस को चेकिंग के दौरान उस समय बड़ी सफलता मिली जब मेरठ करनाल हाईवे पर हरियाणा बॉर्डर से तस्करी कर लाई जा रही 30 लाख की कीमत की अवैध शराब को पकड़ा। सर, अवैध शराब पकड़ी गई कितनी कीमत की और कितनी बरामदगी हुई? थाना झिंझाना पुलिस द्वारा बिडौली चेक पोस्ट पे ट्रकों की चेकिंग और वाहनों की चेकिंग हो रही थी। उसी में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक दस्तारा ट्रायल में जो है ट्रक में शराब आ रही है अवैध, उसी की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 750 पेटी शराब पकड़ी गई जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। जो एक व्यक्ति पकड़ा गया उसका नाम गुल्लू है, रहने वाला हरियाणा का खरकौदा का है। उसमें जांच की जा रही है। अभी तक ये पता चला है कि शराब, अवैध शराब जो है हरियाणा से लखनऊ में लेके जा रहा था। आगे इसकी जांच की जा रही है कि कहाँ से ये शराब निकाली गई थी, ठीक है, कहाँ से आई है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से सरफराज अली की रिपोर्ट।